हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ मूंग दाल और चावल का इतना सुपर टेस्टी फूला फूला स्पॉन्जी कम तेल का नाश्ता बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपने इस नाश्ते को बना लिया तो सभी इसकी हमेशा डिमांड करेंगे। तो चलिए, इसे कैसे बनाना है। आपको बराबर मात्रा में मूंग दाल और चावल को लेना है। इसे अच्छे से धुल के कम से कम 6 से 7 घंटा भिगो देना है। तो लीजिए, हमारा यहाँ पे भीग चुका है तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अच्छे से फूल भी चुका है। ये देखिए, बिल्कुल दाना टूट रहा है और चावल के दाने भी टूट रहे हैं। तो बस आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। आप चाहे तो ओवरनाइट के लिए भी भिगो सकते हैं। अगर आपको नाश्ता सुबह बनाना हो तो आप इसे रात में भिगो दीजिए और सुबह नाश्ता बना लीजिए। अब चलिए, मिक्सी जार लेना है। मिक्सी जार में आपको मूंग दाल और चावल को डालना है। इसमें डालना है बारीक चॉप करके थोड़ा सा अदरक और 4 हरी मिर्च डालना है, और कुछ मैंने यहाँ पे कच्चा नारियल ले लिया है कट करके, इसको भी डाल देना है। नारियल डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। और फिर आपको ढक के इसे स्मूथ ग्राइंड कर लेना है। अगर आपको पानी की जरूरत लगे तो आप थोड़ा बहुत पानी डाल लीजिए। मुझे भी थोड़ा पानी की जरूरत लगी तो मैंने भी डाल दिया है। अब चलिए, आपको दूसरे बाउल में ट्रांसफर करना है और फिर इसमें डालना है 1/2 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच आपको इनो डालना है। इनो की जगह आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी ले सकते हो। और फिर आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो और आपको मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लीजिए भाई, बैटर भी कंप्लीट हो चुका है। इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा किस तरह से हमने बैटर को कंप्लीट किया। अब मैंने यहाँ पे केक टिन ले लिया, इसमें ऑयल अप्लाई करना है। आपके पास केक टिन नहीं है, घर में कोई डब्बा वगैरह होता है ना, या थाली होती है, उसे भी आप लेकर ग्रीस कर लीजिए और उसी में आपको बैटर को फिल करना है। थोड़ा सा टैप करना है जिससे एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। कढ़ाई में 1 ग्लास पानी को गर्म कर लेना है। फिर इसमें स्टैंड रखना है और आपको वही मोल्ड रखना है जिसमें हमने बैटर रखा है, और ढक के आपको कम से कम 7 से 8 मिनट लो टू मीडियम गैस पर आपको इसे पकाना है। 7 से 8 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो हमारा नाश्ता अच्छे से स्टीम हो चुका है। इसे आप चेक कर लीजिएगा टूथपिक से या नाइफ से। अगर कच्चा हो तो 5 मिनट के लिए आप और पका लीजिएगा। चलिए, अब नाश्ता ठंडा हो रहा है, जब तक हम तड़का बना लेते हैं। तो तड़के के लिए आपको तड़का पैन लेना है, 1 चम्मच सरसों का तेल लेना है, तेल को गर्म होने देना है और फिर इसमें आपको डालना है 1/2 चम्मच काली राई यानी मस्टर्ड सीड, और आपको कुछ करी पत्ता की पत्तियां डालना है कट करके, और हल्का सा आप तड़के को पका लीजिए। तो लीजिए, तड़का भी तैयार हो चुका है और हमारा नाश्ता भी यहाँ पे ठंडा हो चुका है। नाश्ते को आपको नाइफ की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा साइड छुटा लेना है और फिर आपको दूसरी प्लेट लेते हुए इसके ऊपर रखना है और फिर आपको टर्न करना है। थोड़ा सा टैप कर दीजिए तो नाश्ता बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो ये देखिए, वाओ, बहुत ही जालीदार स्पॉन्जी सुपर टेस्टी नाश्ता बन चुका है। आप देख सकते हैं ना, बहुत ही जालीदार। तो बस इस तरह से आप भी बनाओ, सभी को खिलाओ। अब जो हमने तड़का बनाया है तो नाश्ते के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी आपको सुबह से जल्दी हो तो दाल चावल को रात में भिगो दीजिए और सुबह इसे पीसिए और तुरंत बना लीजिए। टिफिन में लीजिए, चाहे लंच बॉक्स में लीजिए, सभी को खाकर बहुत मज़ेदार लगेगा। तो चलिए, अब नाश्ते को मैं कट करके दिखा देती हूँ। काटने से आपको पता चल रहा होगा कितना स्पॉन्जी जालीदार हमारा नाश्ता बन चुका है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और कम तेल से बन जाएगा। फ्रेंड्स, तो मैंने भाई स्क्वायर का शेप दे दिया है। तो लीजिए, आपका सुपर टेस्टी स्पॉन्जी जालीदार नाश्ता तैयार है। तो इसी तरीके की रोज रोज नई रेसिपी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।